सब्सक्राइब कीजिए हेल्थ रैंक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हेल्थ टॉपिक्स एंड मेडिकल रिलेटेड वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जो मोटापा है, जो आजकल की जनरेशन में जो एक प्रकार की सामान्य समस्या हो गई है, जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि दोस्तों हम सब जानते हैं कि इसके पीछे कौन से कारण है। तो हम सब जानते हैं कि फास्ट फूड है और हमारे जो वर्क करने का जो स्टाइल्स होते हैं, यानी कि बैठाड़ू जीवन हो गया, ऑफिस में कुर्सी पर बैठ कर पूरा दिन निकालते हैं, वॉकिंग नहीं करते हैं, घर पे बैठे रहते हैं, पूरे दिन टीवी देखते हैं, मोबाइल में गेमिंग खेलते रहते हैं। इस प्रकार के कुछ कारणों के कारण जो हमारे शरीर में अनचाही चर्बी जमा हो जाती है दिन ब दिन, और एक प्रकार का हमारा शरीर जो बेडोल बना देते हैं। तो अनचाही जो चर्बी को अगर उसको दूर करना है तो कैसे कर सकते हैं दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में आपको बहुत से आसान तरीके बताऊंगा जो एकदम हमारे होम रेमेडीज कह सकते हैं, घर पर ही उसको सब उपलब्ध होते हैं, उसको हम एवरी डे में उसको यूज करके हम हमारी जो अनचाही चर्बी है या फिर हमारे जो शरीर बेडोल जो शरीर हो गया उसको हम सही कर सकते हैं। तो ऐसे मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरेश पटेल और आप देख रहे हैं हेल्थ चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो उपाय है वो है लहसुन। तो दोस्तों, लहसुन हम सब जानते हैं कि एक प्रकार का जो एक लहसुन की अगर कली भी हम खाली पेट से सुबह खा लेते हैं तो हमारे कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल करती है, उसके बाद में हमारा ब्लड शुगर जो है उसको भी कंट्रोल कर सकती है, उसके अलावा जो हमारा ब्लड प्रेशर है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो लहसुन में बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो एक प्रकार के हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है, और अनचाहे जो कोलेस्ट्रॉल है उसको भी वो कंट्रोल करने में मदद करता है। तो सुबह उठकर अगर आप एक लहसुन की जो एक कली भी अगर डेली खाते हैं खाली पेट, तो भी ये फायदा हो सकता है। तो सबसे पहला ये उपाय है कि अगर डेली आपको ये करना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों, दूसरे उपाय की बात करें तो सुबह एक गिलास गुनगुने पानी के अंदर आधा नींबू निचोड़ कर अगर आप पीते हैं डेली खाली पेट, तो भी आपको बहुत फायदा होगा। इनसे जो अनचाही चर्बी पिघलने लगेगी, क्योंकि जो नींबू होता है उसके अंदर साइट्रिक एसिड होता है, तो उसके कारण जो हमारी जो अनचाही चर्बी है उसको पिघलने में वो मदद करते हैं। उसके बाद में दोस्तों, तीसरे अगर हम उपाय की अगर बात करें तो वह है सब्जियों और फलों का सेवन। दोस्तों, हो सके जितना भी आप हो सके उतना सब्जियों और फलों का सेवन ज़्यादा कर दीजिए, और जो बाहर का जो फास्ट फूड है या जो तले हुए मसालेदार खाना एकदम बंद कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि चर्बी कम कर दीजिए तो एकदम से उसको बंद कर दीजिए, बहुत कम कर दीजिए अगर हो सके, और ये जो सब्जियां फल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसका उपयोग कीजिए खाने में। हो सके तो सलाद लीजिए खाने के साथ, उसके उनसे अगर पेट भरते हैं तो भी काफ़ी फायदा होता है, क्योंकि जितना अगर वो खाते हैं तो उतना अगर चावल है या फिर रोटी वो उतना आप कम खा सकते हैं, यानी कि फल और सब्जियों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। ठीक है, उसके बाद में लास्ट जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये उपाय है, तो दोस्तों जीरा जो बाजार में आसानी से मिलता है, और अगर देखें तो हमारे घर पर किचन में वो आसानी से मिल जाता है जीरा। दोस्तों, जीरा को सुबह एक गिलास या दो गिलास पानी लेकर उसके अंदर दो चम्मच अगर जीरा डाल दिया जाए और उसको थोड़ा उबाल लीजिए, उसके बाद में उसको निचोड़ कर उसको पी लीजिए सुबह खाली पेट। अगर ये भी करते हैं तो इनसे भी आपको काफ़ी फायदा हो सकता है। अगर लगातार अगर ये जो मैंने आपको उपाय बताया अगर एक महीने अगर आप करते हैं तो 100% आपकी चर्बी के अंदर 50% तक तो आपको फर्क महसूस होगा। ये एकदम साइंस भी है इसके पीछे, क्योंकि ये जो सब जो मैंने बताया है उसके अंदर परफेक्ट इफेक्ट करने वाले सब उपाय हैं। तो जीरा को आप पूरा जीरा डालकर भी इस प्रकार से उबाल कर पी सकते हैं, या फिर जीरा को पीस कर उसका पाउडर बनाकर सुबह गुनगुने पानी के अंदर एक चम्मच डालकर भी आप उसको पी सकते हैं, इस प्रकार भी आप जीरा को उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से मैंने चार आपको उपाय बताए हैं, ये एकदम अफेक्टिव है, एकदम इफेक्ट करेंगे आपको, लेकिन इसको आपको डेली यानी कि हर दिन इसको आपको आजमाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि दो तीन दिन किया फिर छोड़ दिया तो ये इफेक्ट नहीं करेगा, इसको हर दिन आप लगातार करिए तो एक महीने के अंदर आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको ऐसे चार उपाय बताए हैं। अगर आशा करता हूँ इससे अगर आपको ये प्रॉब्लम है मोटापे की तो आप इसको आजमाएंगे और इसका रिजल्ट भी आप देख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो के नीचे दिए गए थंब बटन पर क्लिक करके इसे लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को जरूर शेयर करें किसी भी एक व्हाट्सएप ग्रुप पर, इसे आप शेयर कर सकते हैं ताकि आपके रिलेटिव या आपके दोस्त इस वीडियो को देखकर कुछ जान सके, कुछ सीख सके, और हमारे चैनल के साथ बने रहे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे कभी मिस ना हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए।